मैं आपको बलेनो की MID के बारे में कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें सेटिंग्स दिया हुआ, जैसे कि डोर ओपन हुआ तो आपको दिखा रहा है उसमें डोर ओपन है, ठीक है। कुछ हिडन सेटिंग्स है इसकी, जैसे कि मैंने डोर क्लोज़ कर दिया और उधर का खुला हुआ था वो भी बंद हो गया। और देखिए अभी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है तो ये क्या है, ये बताता है आप कितना किलोमीटर पर लीटर चल रहे हैं और आपका क्या माइलेज देगा। उसके बाद मैं दूसरे सेटिंग्स में आता हूँ। अब यहाँ पे दिखाता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपका क्या फ्यूल इकोनॉमी है वो दिखाएगा यहाँ पे। और सेकंड में आपको टाइम, कितना स्पीड में आप चल रहे हैं, किस टाइम में आप कहाँ पे पहुँचने वाले, कितना किलोमीटर पर आवर है, कितना मिनट में आप पहुँच रहे हैं, उसका सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक भी मिलता है। यहाँ पर कितना टॉर्क और पावर जनरेट हो रहा है आपके एक्सेलरेशन पे वो भी आपको इसमें दिखाएगा। यहाँ पे उसकी बटन है, यहाँ पे आपको प्रेस करना होता है। और इसकी दूसरी हिडन फीचर से इसकी स्मार्ट प्ले स्टूडियो, इसमें क्या है आपको यूट्यूब चलेगा, बट क्या है कि यूट्यूब चलाने के लिए आपको चाहिए जिस फ़ोन से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका ओरिजिनल वायर चाहिए, USB वायर, उससे आप कनेक्ट कीजिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट कीजिए या USB से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद जब ये हैंड ब्रेक लगी रहेगी कार में तभी आपका ये यहाँ पे आप YouTube देख सकते हैं, क्योंकि अगर चलते वक्त YouTube दिख रहा है तो ड्राइवर को परेशानी हो सकती है और एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसलिए YouTube चलाने के लिए आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, बट उसकी सेटिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि USB से आपको ओरिजिनल वायर ही यूज़ करना पड़ेगा जो फ़ोन के साथ मिला हुआ है। और सेकेंड हिडन फीचर्स इसमें मिलती है ऑटो डिमिंग मिरर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, पीछे से अगर लाइट जलता है, आँख में चमकता है, पीछे से कोई कार है वो अपर करके चल रही है, तो यहाँ पे रात में आपको सिस्टम दिया हुआ, रात में आप ये बटन प्रेस कर दे ऑटो वाला, तो यहाँ पे ऑटो डिमिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब आपके आँख में वो लाइट चमकेगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आपको चलाने में इजी होगी कार। ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर आती है, ये टॉप मॉडल में ही आती है। और जैसे कि इसमें देख सकते हैं एक और हिडन फीचर था, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो है, ठीक है, ऑटो को बस दबा देना है, ऑटोमेटिकली ये अंदर के क्लाइमेट के साथ आपको कंट्रोल करके सेट हो जाएगी आपको, मतलब कि आपको कौन सा क्लाइमेट है और ऑटोमेटिकली ये AC बंद हो जाएगा आपको टेम्परेचर सेट करके। ये भी एक हिडन फीचर्स में से एक आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ उठाने का ऑप्शन, यहाँ पे आंसर करने का ऑप्शन, कॉल कट करने का ऑप्शन और भी बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं सन शेडर, जिसमें कि आपको यहाँ पे मिरर भी मिलता है विथ लाइट। और एक हिडन फीचर है, जैसे कि माइक, ये आप यहाँ से माइक से आवाज़ जाएगा और स्पीकर से आपका आउटपुट आएगा।